हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। बच्चों, आपके लिए आज मैं पॉलिनोमियल्स का थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टर्म वन एग्जाम्स, टर्म टू एग्जाम सभी के लिए, उसके लिए थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए सभी बच्चे देखेंगे। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, बेटा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आपको कह रहा है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, सच दैट इस तरीके से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर 24 है तो के की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि मेरा सॉल्व करके ए बी सी या डी में से क्या आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए मैं भी आपके सामने सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, हमें गिविन क्या है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एमसीक्यूज हैं। आप कैसे भी सॉल्व करिए, रफली करिए, कैसे भी करिए, दिमाग में करिए, कहीं से भी करिए, बस आंसर में ओएमआर शीट आपको भरनी है कि इसका आंसर ए बी सी या डी में से ही है। तो लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझने पे और कॉन्सेप्ट पे। बेटा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला या आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि ये सर कैसे आइडेंटिटी आई है, वो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो इससे जस्ट पहले अपलोड किया है, उसमें आइडेंटिटी बताई है मैंने कैसे आई है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अब जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूले लिखें, कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से देख सकते थे माइनस बी अपॉन ए माइनस 4 अपॉन के, लेकिन मैं आपको क्योंकि करके दिखा रहा हूं इसीलिए सारी चीजें यहां बता रहा हूं। तो यहां से बेटा माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस बी की जगह 4 है और ए की जगह के है, माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ए कितना होगा 4 अपॉन के, ये लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू में 24। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। स्टूडेंट्स के स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर बचेगा 16, के से के गया, एक के बचा 8 इंटू के। अब बेटा एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, है ना, इसको तो जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया के स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 24 के स्क्वायर इज इक्व टू हो गया ना, इज इक्व टू में 16 माइनस 8 के, अरे भाई हो गया, और 24 के स्क्वायर इधर आके प्लस का 8 के, इधर आके माइनस का 16 इज इक्व टू 0, सही है, ये इधर आके प्लस का 8 के माइनस का 16 इज इक्व टू 0। अब बच्चों मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी इक्वेशन को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो बेटा इक्वेशन छोटी हो जाएगी, है ना, 8 से डिवाइड कर दूं तो देखिए 8 थ्री जार 24, 8 से पूरा कट गया के बचेगा और 8 टू जार 16, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 6, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए सिर्फ 1 के, सही है ना, 1 आना चाहिए। तो बेटा आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर्स निकालेंगे, और देखो बच्चों एक तरीका और भी है, अगर कोई बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कर पाए, वैसे तो बहुत सिंपल है हर कोई कर लेगा, आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यूज है ना ये ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें जल्दी जल्दी आप पुट करके भी देख सकते हैं। अगर पुट करके देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो वाली वैल्यूज इसमें दोनों सेट कर रही होंगी, एक नहीं दोनों, दोनों वैल्यूज इसमें जिसमें सेट कर रही होंगी वही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन मैं उसके फेवर में थोड़ा सा कम रहता हूं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि वो सारी तिगड़मबाजी मत कीजिए, टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कर लीजिए। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके k आना चाहिए, तो बेटा 3k में से अगर 2k गया तो k बचेगा, और 3 2 जार 6 होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में से स्टार्टिंग में 3k कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 बचेगा, है ना, दोनों में से k प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बेटा एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2/3, देख रहे हैं, एक k की वैल्यू आ रही है 2/3 और एक आ रही है माइनस 1, ढूंढो कहां है माइनस 1 2/3, यस मिल गया डी ऑप्शन। मतलब कहने का यह है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ सकता है, तो कर लीजिए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर वीडियो समझ में आ गई है तो भैया लाइक तो कर दीजिएगा और पूरी सीरीज देखते रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। सबसे बड़ी बात है शेयर करते रहिए सभी बच्चों में, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। मेरी स्पेशल क्लासेस देखते रहिए भैया, डेली करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, वो भी लाइव क्लासेस चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहां पर मेरी ऐसे ही फ्री लाइव क्लासेस देखिए, जिनमें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस मैं डेली कराता हूं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर बना दी है, वो बच्चों ये हैं, आप देख पा रहे हैं फ्री लाइव क्लासेस हैं, आपको इनका कोई पे नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं सैंपल पेपर करा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास टेंथ के लिए, जो डेली शाम को 8:30 बजे चल रही है। बच्चों 6 अक्टूबर यानी कि आज मैं आप लोगों को सैंपल पेपर 2 कराऊंगा, कल मैंने सैंपल पेपर 1 करा दिया है। इस सेशन में मैं पूरा सैंपल पेपर आप लोगों का कवर करूंगा, 8:30 बजे शाम को ये क्लास होगी 6 अक्टूबर को। उसके बाद में स्टूडेंट्स, इसी का स्कोर बूस्टर टेस्ट जो सीरीज ये चल रही है, उसमें सैंपल पेपर 3 7 अक्टूबर को हम करेंगे। टाइम डेली का सेम है, बिल्कुल 8:30 बजे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं ये, आपको इन्हें डेली ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके, उसमें आप और अच्छा गेन कर सके। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं 8 अक्टूबर को सैंपल पेपर 4, ऐसे ही 9 अक्टूबर को सैंपल पेपर 5, और इस तरीके से मैं पूरा आपकी जो ये स्कोर बूस्टर सीरीज है उसको कंप्लीट करूंगा। स्टूडेंट्स डेली 8:30 बजे 8:30 PM पर डेली मेरी अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। आप जितना ज़्यादा क्लासेस में एंगेज रहेंगे, जितना MCQs के थ्रू पूरा हो रहा है, आप जितना क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे, आपको उतना ही सीखने के लिए मिलेगा और आपका स्कोर और वहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा। स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो आपसे एक इन्वाइटिंग कोड पूछा जाएगा, आपको इन्वाइटिंग कोड लगाना है MOHISSIR10। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और इन सारी क्लासेस की जो लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और वहां पर ये इनवाइटिंग कोड भी डाला है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, जहां से आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो इसे ब्राउजर से भी चला सकते हैं, चाहे लैपटॉप से या फोन पे, आप लिंक को कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर पे भी इसे चला सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करें तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा, आपको और भी फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे आस्क अ डाउट फीचर। बच्चों आप क्लास में आकर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, रेज अ हैंड फीचर, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप एप्लीकेशन में देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इन सारी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।